में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 बिहार बोर्ड भारतीय वन का बुक जो है उसी का मैं आपको त्रिकोणमिति प्रश्नावली 2 के भी भारतीय वन का बुक है प्रश्नावली 1 के ए प्रश्नावली 1 के बी 2 का ए क्लियर करा दिया हूँ। 2 के बी का भी बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करा दिया हूँ बोर्ड पर मैं आपको बना करके बताता था, लेकिन कुछ दिनों से लाइन गड़बड़ है जिसके कारण मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर बताऊंगा, आप लोग मैनेज करें। कि क्वेश्चन नंबर 11 के कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, बहुत ईजी तरीके से मैं इसको सोल्यूशन करके बताऊंगा। तो देखिए कह रहा है कि cos 70 डिग्री बराबर 0.342 है तो sin 20 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं रेड कलर का, आप देखिए कह रहा है क्या कि cos जो है, देखिए cos क्या कह रहा है कि cos 70 डिग्री, cos 70 डिग्री किसके बराबर होता है, तो cos 70 डिग्री का अगर हमको करना होगा तो कैसे करेंगे, तो cos 70 डिग्री करना होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा cos, cos क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब कितना में से कटाएंगे तो 70 होगा, तो 20 में से, तो cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री कितना हो जाता है, तो cos 90 माइनस थीटा का होता है sin थीटा, तो sin 20 डिग्री। तो देखिए cos 70 डिग्री किसके बराबर हो गया, sin 20 के बराबर हो गया। तो जब cos 70 डिग्री का मान 0.3420 है तो sin 20 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो sin 20 डिग्री बराबर भी क्या हो जाएगा, ये भी इसके बराबर भी हो जाएगा 0.3420। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है sin 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री। तो देखिए 54 है, 90 में से घटाइए तो 54 को, तो 90 में से मतलब 10 में से 4 जाएगा, मान लीजिए कि आप 90 रख देते हैं, ठीक है, आप घटाइए तो 10 में 4 गया तो 6 होगा, 10 में 4 गया तो 6 हो, ये हो गया 8, 8 में से 5 गया तो 3, 36 आ रहा है, मतलब sin 54 जो है वह cos 36 के बराबर होगा ना, तो sin 54 किसके बराबर होगा, cos 36 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसका मान निकल कर कितना आएगा, तो यहाँ से इसका मान निकल कर आएगा 0, कितना होगा, तो यहाँ से इसका मान निकल कर आएगा 0, कितना होगा 0, ठीक है। आप आंसर भी उल्टा कर देख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर चाहता तो नहीं भी बनाता तो आप लोगों को चल जाता, लेकिन कुछ बच्चे जिनको समझ में नहीं आता है वो एग्जाम में कैसे इनका आंसर देंगे, ठीक है ना, अगर आपको ऑब्जेक्टिव की तरह आ जाएगा तो आप कैसे समझेंगे, ठीक है। तो साइन का अपोजिट कॉस होता है, टेन का कॉट होता है, और कोसे का सेक होता है। देखिए बोलते बोलते मेरा गला भी फंस रहा है, बहुत सारे बोलता रहता हूँ, ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए साइन 54 है, सॉरी साइन 50 प्लस में कॉस 40 है, तो दोनों को मान कितना हो जाएगा साइन में लाएंगे, तो देखिए कॉस 50 जो है, सॉरी कॉस 40 जो है वो साइन 50 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन में से अगर हम घटाएंगे, मतलब साइन 50 को 90 में से घटाएंगे तो 40 आता है, और ये 50 क्या होता था, 40 के बराबर होगा, तो साइन 50 ये को है, इसका भी मान हो जाएगा साइन 50, तो कितना हो जाएगा 2 sin 50, मतलब यहाँ पर एक खाली स्थान उसमें क्या बढ़ाएगा 50 डिग्री, कितना बढ़ाएगा, तो आप इस खाली स्थान में भरेंगे 50 डिग्री। क्लियर, अब देख लीजिए चौथे नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइन 40 है कॉस 50 है, तो इसमें कॉस का मान कर रहा है, तो कॉस 50 है ना, ये साइन 40 भी जो है कॉस 50 के बराबर हो सकता है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे, लेकिन इसमें कॉस का मान मांग रहा है, तो कॉस हो जाएगा, तो 2 cos कितना हो जाएगा 50 डिग्री, इसमें भी 50 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 डिग्री, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब देखिए cos 35 जो है वो sin कितने के बराबर होगा, तो 90 में से 35 घटाइए, तो 90 में से अगर हम 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 में से 35 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, यानी 55 डिग्री, तो यहाँ 55 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55 डिग्री, तो cos 35 और sin 55 को काटेंगे तब 1 आएगा। ये क्वेश्चन जो था ये था 11 की, अब फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब मैं आपको 12वें नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो देखने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम आपको 12 नंबर फिगर क्वेश्चन जो है आपको बताता हूँ। तो अब मैं आपको 12वें नंबर क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, जैसे कि आप 11वें नंबर क्वेश्चन देखे हैं, 12वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि cos 35 डिग्री, यानी 35 डिग्री आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है, 35 डिग्री सब में हम डिग्री यहाँ पर जो है लगा देते हैं, ठीक है, तो cos 35 डिग्री बराबर x है, तो sin 55 डिग्री का मान x के पदों में क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बताया था पिछले भी वीडियो में, और पिछले वीडियो में क्या मैं इसी वीडियो में भी बताया हूँ, cos 35 जो है वो अपोजिट, cos किसका अपोजिट होता है, sin का, तो 35 है, तो 90 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 90 में से 35 घटाएंगे तो 55 बचेगा, 55 5 60 30 90 होगा ना। तो cos 35 डिग्री का मान अगर x है तो sin 55 डिग्री का मान भी क्या होगा, इसका भी मान होगा x ही होगा, क्या होगा, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा कॉस, यानी साइन का अपोजिट कॉस होगा, अगर साइन 20 डिग्री है तो कॉस 70 डिग्री के बराबर होगा, अगर कॉस 70 है तो साइन 20 के बराबर होगा, अगर साइन 30 है तो कॉस 60 के बराबर होगा, अगर कॉस 60 है
तो साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। इस तरह से आपको जो है देखना अपोजिट वाले बराबर नंबर देखिए, यदि साइन 43 डिग्री बराबर एम तो कॉस 47 डिग्री का मान एम के पदों में क्या होगा। ये भी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, इसको भी बनाना है। बहुत देखिए कह रहा है कि साइन 43 डिग्री का मान एम है तो कॉस 47 के कितना होगा, तो साइन को उल्टा कॉस हुआ और 90 में से 43 को घटाइए तो 9 में से 3 10 मतलब जी 10 में से 3 गया तो 7, 8 में से 4 गया तो 4 47 हो रहा है। तो जब साइन 43 डिग्री का मान एम है तो कॉस 47 डिग्री का मान यानी 47 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका भी मान एम होगा। यही इसका आंसर हो गया। तो इस वीडियो में आपने 11 नंबर 12वें नंबर क्वेश्चन देखा है, अब मैं आपको 13वें नंबर भी क्वेश्चन बताऊंगा। तो अब हम आपको बताएंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, सरलतम रूप में मान लिखें। इसको बहुत ईजी तरीके से हम आपको बनाएंगे, बस वीडियो के साथ आप बने रहिए। देखिए साइन 50 डिग्री है बट में पी कोस 40 डिग्री है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे। देखिए साइन 50 हम आपको बताया था कि साइन का अपोजिट कॉस है, और अगर 50 है तो 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 आ रहा है, इसका मतलब ये बराबर है। तो साइन 50 और कॉस 40 ये कट जाएगा, ऊपर में कितना बचेगा 1, नीचे में बचेगा पी, इसका मतलब क्या हो गया 1/p, इसका आंसर क्या हो गया, कट करके आएगा 1/p। तो देखिए ये आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन में दिया रहेगा ये आंसर आपको 1/p। तो देखिए तो आपका आंसर 1/p आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये है आपका कितने नंबर क्वेश्चन, 13 का पाला 1/p आ रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 13 का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेन 49 डिग्री बटे में कॉट 41 डिग्री। तो देखिए टेन का उल्टा क्या होता है, तो कॉट होता है, कट जाएगा। 49 है तो 49 90 में से घटाएंगे तो मतलब 90 में से 49 घटाएंगे तो 10 में से 9 गया तो 1, 8 में से 4 गया तो 4, कट गया दोनों, इसका मतलब क्या होगा, इसका मान हो गया 1 यानी 1/1 1 हो जाएगा। कॉट 50 है तो टेन 40 के बराबर होता है, इसका भी मान हो जाएगा 1 यानी कॉट का उल्टा टेन, 50 का उल्टा 40 हो जाता है, यानी 50 और 40 जोड़ने पर 90 होना चाहिए। अगर दोनों पूरा हो रहा है तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन 20 है कॉस 70 है, तो साइन 20 कॉस 70 तो कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस होता है, 20 90 में 90 में से 20 कटेंगे तो 70 हो रहा है, तो बस ये कितना 2/3, इसका आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, पांचवें नंबर क्वेश्चन देखिए रूट 5 कॉसेक 39 बटे सेक 51। तो देखिए 39 है 51 है, कॉसेक उल्टा क्या होता है, सेक उल्टा है, सेक होता है, कौशे का उल्टा सेक 39 है, मतलब 90 में से 39 घटाएंगे तो 51 बचेगा, 10 में से 9 गए 1, 8 में से 3 गए तो 5, कितना बचेगा रूट 5, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो गया रूट 5, इसका आंसर सिर्फ रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, अब छठा नंबर देख लीजिए, साइन 10 है और कॉस 80 है, तो साइन 10 किसके बराबर हो जाएगा, तो कॉस 80 के बराबर हो जाएगा, इसका भी मान 1 होगा। आप आंसर भी देख सकते हैं, सारे के सारे आंसर आपके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये थे मतलब सॉरी ये थे 13वें नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको 14वें नंबर क्वेश्चन भी बताऊंगा, वीडियो के साथ आप बने रहिए, फिलहाल इस वीडियो में बहुत ही मजा आएगा। अब जो इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन कराने वाला हूँ आगे, मतलब 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सोल्यूशन कराऊंगा। तो देखिए यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो साइन a बराबर a है तो मतलब साइन b बराबर b, तो सीध कीजिए कि tan a बराबर a बटे b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1। दो क्वेश्चन है 14 का, बहुत इजी तरीके से मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा, बस वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे किया जाता है, बस आपको बस देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 का सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, 1 का हम सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पर थोड़ा हाईली मतलब ज़्यादा हो गया है इसलिए हम इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 का सोल्यूशन करते हैं, 1 में आप देख लीजिएगा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेन ए बराबर है तो ए प्लस बी बराबर लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे। ठीक है ना, चूंकि आप यहाँ से देखिए ऐसे लिखें, चूंकि ए प्लस, यह आपको दो नंबरी या तीन नंबरी क्वेश्चन देगा, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आगे का काम करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे या, ठीक है या लिखेंगे। ठीक है, या हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं बी बराबर। ठीक है, क्योंकि हमको साइन ए बराबर जो है ए है और साइन बी बराबर बी करना है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बी बराबर लिखेंगे, बी बराबर क्या करेंगे, तो 90 डिग्री होगा, ये ए उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ए। अब देखिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, साइन लगाएंगे, तो साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, या साइन बी बराबर, इधर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस में ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम फिर या करेंगे, मतलब या आगे स्टेप बढ़ेगा, तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कितना हो जाएगा कॉस ए, यानी साइन बी की जगह कितना मान हो गया, कॉस ए हो गया। अब हमको क्या करना है कि टेन ए बराबर ए बटे बी करना है, तो हम इसको सीध करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए
टेन ए बराबर, आप एल एच एस से भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं एल एच एस से, यहाँ पर आपको करना है कि नहीं हम एल एच एस से कर लेते, एल एच एस से आप लिखिए, एल एच एस से लिखिए, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि नहीं हम एल एच एस से करें तो टेन ए बराबर, तो हम जानते हैं कि टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटे में कॉस ए होगा, ठीक है, साइन ए बटे में कॉस ए। अब देखिए साइन ए की जगह मान कितना है, तो साइन ए की जगह मान ए है तो ए रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे। अब कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान इसमें दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि कॉस ए किसके बराबर है, कॉस ए जो है साइन बी के बराबर है, कॉस ए साइन बी के बराबर है, साइन बी का मान कितना है, साइन बी का मान कितना है, बी है, तो हम क्या रख देंगे, बी रख देंगे, तो ए बटे बी बराबर आ गया आर एच एस, तो लिख दीजिए आर एच एस, ठीक है, ये क्या हो गया, आर एच एस आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। एंड हमको प्रूफ क्या करना था, तो प्रूफ करना था कि टेन ए बराबर ए बटे बी, प्रूफ हो गया ना, टेन ए बराबर ए बटे बी, यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो ये देखिए, ये तो आपको बन गया, अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन बाकी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वन है, तो हम इसमें भी कर लेंगे, तो लिखेंगे इसको भी, दूसरा नंबर सोल्यूशन है, दूसरा नंबर सोल्यूशन लिखेंगे, लिखेंगे एल एच एस से, क्या करेंगे, एल एच एस से, ठीक है, एल एच एस से, ठीक है, क्या है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो देखिए हम ए की जगह क्या लिए, ए की जगह है साइन ए, अब बी की जगह कौन से है, तो लिखिए साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, वन होता है, तो वन ये बराबर में कितना हो गया, आर एच एस, यानी वन आ गया। हमको सीध क्या करना था, तो सीध करना था कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में क्या सीध करना था, वन, तो हम वन ले आए। तो ये आपको लिखना नहीं, मतलब ये हम आपको बताया था कि क्वेश्चन में इतना लाना था। तो ये था 14 नंबर के क्वेश्चन, तो अब फिलहाल आप 14 नंबर तक रखिए, अगले वीडियो में मैं आपको 15 से लेकर के 20 तक का वीडियो मतलब बनाऊंगा, और उसमें मैं आपको सोल्यूशन करके बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।